हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है एसर निट्रो 5। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये निट्रो सीरीज होती है, गेमिंग सीरीज है इसकी, एसर की बढ़िया लैपटॉप होते हैं गेमिंग वगैरह के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है हम आपको दिखाते हैं। ये इसका कीबोर्ड है, तो इसके कीबोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, कीबोर्ड में कुछ की काम नहीं कर रही है इसकी। तो हम आपको दिखाते हैं कौन कौन सी की काम नहीं कर रही है और क्यों ये खराब होती है, कीबोर्ड की क्यों खराब होती है जब इनका हम ज्यादा यूज करते हैं। जैसा एस यूज का गेमिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है तो एस की खराब हो जाती है, पी का बहुत ज्यादा यूज हो जाता है तो उस वजह से भी हमारी खराब हो जाती है, दूसरा मिस हैंडलिंग की वजह से खराब होती है, और तीसरा जब ये धूल मिट्टी में ज्यादा यूज होता है लैपटॉप तब प्रॉब्लम आती है। हम आपको दिखाते हैं इस लैपटॉप की कौन सी की काम नहीं कर रही है। हमने इसको सेटअप पे चलाया, हमने इसकी हार्ड डिस्क निकाली हुई थी तो कस्टमर को दी है कि डाटा वगैरह का होता है, तो कस्टमर लैपटॉप हमारे यहाँ छोड़ के गया है। तो हम इसको, आप देखोगे पेन ड्राइव लगी हुई है विंडो वाली, तो हमने इसको सेटअप पे चलाया है। सेटअप में ही हमें कैसे पता करना है कि हम कीबोर्ड कैसे यूज करते हैं, शिफ्ट F10 प्रेस करेंगे, ये नहीं ले रहा है शिफ्ट F10, तो इसका हमारा शिफ्ट भी खतरा खराब है। इसमें एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज करते हैं तो हम शिफ्ट F10 प्रेस करेंगे, शिफ्ट F10 में नोट पैड होता है, या तो हम यहाँ पे भी टाइपिंग कर सकते हैं। आप देखोगे मैं एक्सटर्नल से टाइप कर रहा हूँ तो टाइप हो रहा है। अब हम इसको इंटरनल कीबोर्ड से देखेंगे ये टाइप कर रहा है या नहीं कर रहा है। बैक स्पेस इसका काम नहीं कर रहा है, एंटर काम नहीं कर रहा है, कोई भी की इसकी काम नहीं कर रही है। हम जैसे ही प्रेस कर रहे हैं तो ये पूरा कीबोर्ड ही चेंज होगा, इसका पूरे कीबोर्ड की कोई की काम नहीं कर रही है। और आप देखोगे हम एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं तो हमारा एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज हो रहा है। तो इस प्रकार यदि आपके किसी भी लैपटॉप में कोई भी प्रॉब्लम है, गेमिंग लैपटॉप हो, एसर हो, आसूस हो, किसी भी प्रकार का कोई भी लैपटॉप हो, हर सामान अवेलेबल हो जाता है सूरज कंप्यूटर्स पे। तो हम आपको इसमें कीबोर्ड चेंज करता हुआ दिखाते हैं कैसे कीबोर्ड चेंज करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सविनय निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। चलो तो हम दिखाते हैं आपको कि कैसे इसका कीबोर्ड चेंज करें। अभी आप देख रहे हैं ये जो एसर नाइट्रो वाला लैपटॉप था उसको खोला जा रहा है ताकि हम जो हमने जो कीबोर्ड नया मंगाया है ये वाला, ये न्यू कीबोर्ड आप देख रहे हो, ये कीबोर्ड इसमें फिट करने के लिए। फैन वगैरह हमने खोल लिया है, बोर्ड खोलना पड़ता है क्योंकि जो इसका जो कीबोर्ड होता है वो बोर्ड के नीचे फिट होता है, जो टच पैड वाला जो पैनल होता है उसके अंदर। अभी बोर्ड बाहर निकाल दिया गया है, अभी देखेंगे कि जो कीबोर्ड होता है वो कहाँ पे फिट होता है। अभी आपको अभी आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा स्क्रीन का पैनल था, स्क्रीन वाला, वो खोल के साइड कर दिया गया है और ये जो टच वाला पैनल है जिसमें हमें कीबोर्ड फिट करना है उसको खोला जा रहा है। मदरबोर्ड के नीचे ये पन्नी दी होती है ताकि ये जो मेटल का आप कवर देख रहे हो इससे उसमें शॉर्टिंग वगैरह ना हो, और जस्ट इसी मेटल के कवर के नीचे हमारा जो नाइट्रो का जो लैपटॉप है इसका कीबोर्ड फिट होता है। और इस लोहे के पैनल को हमें प्यार से निकालना पड़ता है ताकि इसमें कोई ज़्यादा डैमेज ना हो, क्योंकि इसको 22 फिट भी करना है इसलिए। और जैसे ही ये लोहे का पैनल निकलेगा फिर हम कीबोर्ड इसका पुराना वाला निकालेंगे और फिर वो नया वाला कीबोर्ड लगा करके वापस, जैसे जैसे हमने सामान को निकाला है, जैसे ये लोहे का पैनल हो गया, प्लास्टिक का कवर हो गया, मदरबोर्ड हो गया और भी सारे कंपोनेंट, वो वापस समय लगाना होता है। उसके बाद ही हम चेक कर पाते हैं कि जो हमने कीबोर्ड इसमें रिप्लेस किया है वो सही है, सही से चल रहा है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसलिए जो ये जो नाइट्रो वाले या फिर कोई भी इंटरनल कीबोर्ड वाले जो लैपटॉप होते हैं उनके कीबोर्ड चेंज करने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बट ये चेंज होकर के प्रॉपर चलते हैं। अगर जो आप भी कोई ऐसा लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं जिसमें इंटरनल कीबोर्ड है, बाहर से नहीं चेंज कर पाने वाले उसमें सिस्टम है, तो आप परेशान ना होइए, आप सूरज कंप्यूटर में इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सूरज कंप्यूटर सभी प्रकार के लैपटॉप का कीबोर्ड
रिप्लेस करते हैं। और मोस्टली कीबोर्ड तो हैंड टू हैंड हो जाते हैं, बट जो हाई एंडेड लैपटॉप होते हैं, जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं या जो डिजाइनिंग वाले लैपटॉप होते हैं, उनका कीबोर्ड ऑन ऑर्डर आता है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट लगभग सारे 99% लैपटॉप के कीबोर्ड हम रिप्लेस करते हैं और बहुत ही बढ़िया चलते हैं। उनके बाद रिप्लेसमेंट के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी आप देख रहे हैं कि इसका जो लोहे का पैनल है एसर नाइट्रो लैपटॉप वाला, वो ऑलमोस्ट बाहर निकल गया है। अब ये देखिए, ये इसके नीचे कीबोर्ड की फिटिंग है। अब यही कीबोर्ड हमें निकाल करके और वापस समय नया कीबोर्ड रिप्लेस करना है। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए निकालना होता है, क्योंकि ये प्लास्टिक के जो नक्के होते हैं कीबोर्ड के ऊपर फिट होते हैं, पहले जो वाले होते हैं, फिर इसी इन्हीं को वापस बनाना पड़ता है ताकि ये लूज ना हो या सही से काम कर सके। तो अभी आप देख रहे हैं कि कितनी मशक्क़त करनी पड़ जाती है एक इंटरनल कीबोर्ड को चेंज करने के लिए। और जो खासकर हाई एंडिंग के जो लैपटॉप होते हैं, जो गेमिंग पीसी के लैपटॉप होते हैं, उनका कीबोर्ड अगर जो ख़राब हो जाता है तो दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है कस्टमर को खासकर। बट आप परेशान ना होए ज़्यादा, अगर जो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमें यानी सूरज कंप्यूटर को याद कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि पुराना वाला जो कीबोर्ड है ऐसा नाइट्रो का, जो पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है इनके टच पैड से। और अब इस टच पैड की बढ़िया से साफ़ सफाई करने के बाद हम इसमें नया कीबोर्ड फिट करेंगे। इस तरह की जो इंटरनल कीबोर्ड होते हैं वो बहुत ही सेफ्टी के साथ पैक होती है, बट इनको निकालने में भी उतना ही मेहनत करना पड़ता है और लगाने में भी उतना ही मेहनत करना पड़ता है। हालांकि देख रहे हैं ये जो नाइट्रो का कीबोर्ड है फिजिकली डैमेज तो नहीं है, लेकिन इसके एक भी की काम नहीं कर रही है। खासकर इसका आप देखोगे कि ये जो ऑन ऑफ वाला की भी है जो कीबोर्ड से ही रिलेटेड है, तो कस्टमर को लैपटॉप ऑन करने में भी काफ़ी दिक्कत हो रहा था। ये आप देख रहे हैं कि ये पैनल जो है वो साफ़ हो चुका है नाइट्रो एसर नाइट्रो 5 का, और इसमें अब हमने पुराना कीबोर्ड रिमूव कर लिया है और अब हम इसमें न्यू कीबोर्ड लगाने के बाद फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद इसको जब बोर्ड वगैरह फिट हो जाएगी, इसमें प्रॉपर सारे कंपोनेंट जो है स्पीकर बैटरी और जो भी चीज़ है लैपटॉप की, वो सारे अगर जो चेक हो जाएंगे फिटिंग के बाद, तब ही हम सफल हो पाएंगे इस कीबोर्ड के रिप्लेसमेंट में। फिलहाल आप देख रहे हैं ये नया कीबोर्ड है वो हमने लगा दिया है, और ये कीबोर्ड लगाने के बाद इसको प्रॉपर फिट किया जाएगा। उसके बाद चेक किया जाएगा कि ये कहीं से दबा हुआ या कहीं से उखड़ा हुआ या ऊंचा नीचा नहीं है। फिटिंग के बाद आयरन की सहायता से इसके जो प्लास्टिक के लॉक होते हैं उन्हें भी प्रॉपर बनाया जाता है ताकि ये कीबोर्ड सही से फिट हो सके। आयरन से फिटिंग के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा कीबोर्ड जो है प्रॉपर दिखाई दे रहा है, कहीं से ऊंचा नीचा नहीं है। और अब इसके बाद हम इसमें जो हमारा लोहे का पैनल है वो फिट करेंगे। थोड़ी बहुत रही कहीं कसर भी देख ली जाती है ताकि फिटिंग के बाद इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए हमने इनका जो ये इस लैपटॉप का जो लोहे का पैनल था जो कीबोर्ड के जस्ट ऊपर फिटेड था ताकि मजबूती दे सके ये लैपटॉप को, बैकबोन की तरह काम करता है और काफ़ी मजबूत बना देता है लैपटॉप को। इसी के ऊपर प्लास्टिक के कवर के साथ बोर्ड फिट होती है। फिलहाल तो ये लोहे का कवर हम फिट कर रहे हैं, कीबोर्ड पहले हमने फिट कर चुके हैं, और अब ये लोहे का जो पैनल होता है ये फिटिंग की जा रही है। इसे भी आयरन की हेल्प से जो प्लास्टिक के जो होते हैं या प्लास्टिक के नक्के कह सकते हैं, जिसके थ्रू इसको वापस फिट की जाती है ताकि ये भी हिले डुले ना और अपनी जगह पे बना रहे। आप देख सकते हैं कि इसको भी प्रॉपर फिट किया जाता है। प्लास्टिक के जो हुक होते हैं या नक्के बोल सकते हैं, उनको गला गला के आयरन की हेल्प से। आपसे एक रिक्वेस्ट है
कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, जिससे कि इसका फ़ायदा आपके साथ साथ में दूसरे लोगों को भी मिल सके। अभी आप देख रहे हैं कि कीबोर्ड रिप्लेस हो गया है, इसके बाकी के पार्ट जो थे मदरबोर्ड, हीट सिंक, फैन, सब कुछ हमने लगा दिया है, प्रॉपर स्पीकर वगैरह। अब जो है इसको फाइनल पैकिंग पे है और फाइनल पैकिंग के बाद मैं आपको दिखाऊंगा ऑन करने के बाद ये जो हमने कीबोर्ड चेंज किया है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है या क्या है नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा अभी कि जो इंटरनल कीबोर्ड होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं, चाहे वो लैपटॉप कोई भी हो, एसर हो, डेल हो, लेनोवो हो, कोई भी हो। फिलहाल तो अभी आप देख रहे हैं कि हम इसमें बैटरी जो है कनेक्ट कर रहे हैं और बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया और इसका जो बाहर का कवर है जिसको बेस कहा जाता है वो हम लगा रहे हैं। बाहर का कवर लगाने के बाद इसका जो स्क्रू होता है फाइनल टच में वो स्क्रू लगाना होता है और लास्ट में होती है जो आप देख रहे हो इसके बाहर SSD सॉरी हार्ड डिस्क का जो स्पेस दिया गया है वो सबसे लास्ट में ही लगाया जाता है। और उसके बाद स्क्रू लगाने के बाद हम इसको ऑन करके देखेंगे और आप भी देखिएगा कि कीबोर्ड रिप्लेसमेंट तो आपने पूरी देखी और रिप्लेसमेंट के बाद इसका जो सक्सेसफुल होता है वो कितने परसेंट है, कैसे चल रहा है, क्या दिक्कत में आई थी और रिप्लेसमेंट होने के बाद ये कैसा चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं लैपटॉप ऑन हो चुका है प्रॉपर, कीबोर्ड रिप्लेस हो गया है, कीबोर्ड की कंडीशन देखिए एकदम नई कीबोर्ड है और लैपटॉप ऑन हो गया है। बट हम थोड़ा सा बैटरी इसका लो है तो चार्जर कनेक्ट करेंगे और चार्जर कनेक्ट करने के बाद दोबारा से ऑन करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर जो आप भी एसर का नाइट्रो या फिर ऐसे कोई भी गेमिंग पीसी यूज़ करते हैं और उसके कीबोर्ड में खासकर कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो कीबोर्ड आपको आसपास नहीं मिल रहा है तो आप सूरज कंप्यूटर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सूरज कंप्यूटर सभी प्रकार के लैपटॉप के कीबोर्ड का रिप्लेसमेंट मोस्टली हैंड टू हैंड करता है और वैसे कीबोर्ड जो ऑन ऑर्डर मंगाए जाते हैं या फिर जो आसानी से अवेलेबल नहीं होते उसे ऑन ऑर्डर भी मंगा करके हम रिप्लेस करते हैं। तो अगर जो आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में या अपनी फैमिली में शेयर कीजिए ताकि अगर जो वो भी ऐसे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो सूरज कंप्यूटर में कॉन्टैक्ट कर सकें और हमारे द्वारा दिए जाने वाले सुविधाओं का लाभ पा सकें। धन्यवाद।